प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? गंगा। चलिए सही जवाब है, ताली लगाइए। दूसरा प्रश्न है, और जन्ना हाउस के लिए पहला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889। सही जवाब है, ताली बजाइए। कृष्णा हाउस आपके लिए प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। सही है, जोर से ताली। कावेरी हाउस, पंडित जवाहरलाल नेहरू के माता का नाम क्या था? कावेरी हाउस। स्वरूप रानी नेहरू। सोच लिए हैं आप? लॉक कर दिया जाए। स्वरूप रानी, बिल्कुल सही जवाब। पंडित जवाहरलाल नेहरू के माता का नाम था स्वरूप रानी थुसु, और वे लाहौर की थी, जिसमें ब्रिटिश काल के समय में था, उसमें लाहौर की थी। अगला प्रश्न सिंधु हाउस से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्नी का नाम क्या था? दोनों आप दोनों का जवाब एक ही है। आपके पास लाइफलाइन बचा हुआ है मित्र से पूछने के लिए, आपको अपने आप पर विश्वास है? लॉक कर दिया जाए। तो चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्नी का नाम आपने बोला है कमला नेहरू, लॉक किया जाता है, और ये सही जवाब है। सतला जाओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहां हुआ था? बहुत जल्दी से आप लोग जवाब दे रहे हैं, पूर्णतः विश्वास है अपने आप पर, लॉक कर दिया जाए। आपका जवाब बिल्कुल सही है, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी कहते हैं। तो चलिए, पहला राउंड समाप्त होता है, और पहले राउंड के समाप्ति के बाद छठे हाउस के स्कोर मनोज सर बताएंगे। बहुत अच्छा विकास जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने जो ये कार्यक्रम चला रखा है, और बच्चों को भी बधाई, सभी हाउस ने जवाब दिया है शानदार तरीके से बिना समय लिए। तो पहले राउंड की समाप्ति पर जो अंक है मैं इस प्रकार बता रहा हूँ, गंगा हाउस 2 अंक, यमुना हाउस 2 अंक, कृष्णा हाउस 2 अंक, कावेरी हाउस 2 अंक, सिंधु हाउस 2 अंक, और सतलज हाउस 2 अंक। अभी सभी बराबरी पर चल रहे हैं, जोरदार मुकाबला। अगले अगले राउंड के लिए विकास जी धन्यवाद सर। चलिए, आप लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से खेल रहे हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि 6 हाउस में सभी अभी बराबर की भागीदारी है, सभी लोगों ने बराबर बराबर पॉइंट हासिल किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं खेल में आगे, क्विज में द्वितीय राउंड की ओर। द्वितीय राउंड में सबसे पहले गंगा हाउस से प्रश्न पूछा जाएगा, और गंगा हाउस के लिए प्रश्न रहा ये,
स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपको एक बार जवाब देना होगा। शुरू में अगर गलत देते हैं जवाब तो सुधारने का मौका नहीं मिलेगा इस राउंड में। गंगा हाउस, आपके पास लाइफ लाइन बचा हुआ है, आप दोनों का रहे भैया सोच लिए हैं आप? लॉक कर दिया जाए? अभी भी आपके पास लाइफ लाइन बचा हुआ है अपने फ्रेंड से पूछने के लिए, लॉक कर दिया जाए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपने कहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में। गंगा हाउस का ये जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार ताली। अगला प्रश्न यमुना हाउस के, यमुना हाउस के लिए प्रश्न रहा ये, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यमुना हाउस के लिए प्रश्न है। आपका टाइम स्टार्ट है सर, 10 तक गिनेंगे। आपके पास लाइफ लाइन बचा हुआ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, आपका समय समाप्त हुआ। आप अपने दोस्त से ले सकते थे, उठाएंगे ना? हाँ, वो तो बोलता, हम बोले नहीं कि आप ले सकते हैं, कहाँ बोला कि हम लेंगे हेल्प? आप किसी तीन राउंड, पहला राउंड तो समाप्त हो गया, इन दो राउंड में किसी भी प्रश्न का जवाब अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने किसी मित्र को बुलाते, खड़ा करते, वो जवाब दे सकते थे। चलिए, तो यमुना हाउस आपका पॉइंट नहीं मिला द्वितीय राउंड का। चलिए, इस क्वेश्चन का जाता है ये क्वेश्चन कृष्णा हाउस के पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? कृष्णा हाउस, नहीं मालूम। कावेरी हाउस, गलत जवाब। सिंधु हाउस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत ही सुंदर जवाब। चलिए, सिंधु हाउस को बोनस पॉइंट जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनका जन्मदिन हाल फिलहाल में ही हम लोग मनाए थे और अच्छे ढंग से वहां से बताया गया था मनोज सर के द्वारा। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस दिन यूनिटी डे मनाया गया था, बोनस बोनस जाता है सिंधु हाउस को। अब अगला प्रश्न जाता है कृष्णा हाउस की ओर, तो कृष्णा हाउस के लिए प्रश्न रहा ये, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? कृष्णा हाउस, बिना सोचे समझे जवाब देना गलत है। आप अगर जिस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, पहले ही बताया गया है कि आप आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, मित्र से पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ बोलने के बाद उधर वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं। हाँ, तो कृष्णा हाउस को भी पॉइंट नहीं जाता है, आपने गलत जवाब दिया है। अब ये प्रश्न जाता है कावेरी हाउस के पास। हाँ, कावेरी हाउस, यदि आप इस प्रश्न का जवाब देते हैं तो बोनस पॉइंट मिलेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? कावेरी हाउस,
चलिए ये प्रश्न जाता है सिंधु के पास। मनोज सर अब यहाँ पे हेल्प कीजिए, दोनों का अलग अलग जवाब आया और फिर सही किया, दोनों एक यूनिट है, वहां पे दो यूनिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल लॉक कर दिया जाए? ऑडियंस क्या कहती है, सही होगा गलत होगा? चलिए तो सिंधु हाउस के द्वारा दिया गया जवाब बिल्कुल सही है, जोरदार ताली सिंधु हाउस के लिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, बहुत अच्छा जवाब। चौथा प्रश्न जाता है कावेरी हाउस के पास और कावेरी हाउस के लिए प्रश्न है ये, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पूर्ण विश्वास के साथ आपने कहा है, लॉक कर दिया जाए? आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बचा हुआ है, लॉक कर दें। कावेरी हाउस ने कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और ये बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न सिंधु हाउस, सिंधु हाउस के लिए प्रश्न रहा ये, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सिंधु हाउस के लिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसके बीच में ही अगर आपको हेल्प लेना है दे सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे। आपने कोई हेल्प भी नहीं लिया और ना ही कोई जवाब दिया, आपका एक लाइफ लाइन था, आप अपने किसी मित्र से आप पूछ सकते थे। चलिए ये प्रश्न जाता है सतलज हाउस के पास, सतलज हाउस नहीं बोनस मिला था, बोनस मिला सतलज हाउस नहीं गंगा हाउस, गलत जवाब है। प्रश्न है मेरा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यमुना हाउस, यमुना हाउस भी नहीं, कृष्णा हाउस, कृष्णा हाउस भी नहीं, कावेरी हाउस। चलिए इस प्रश्न का पॉइंट किसी भी ग्रुप किसी भी हाउस के प्रतिभागियों को नहीं मिलेगा, ऑडियंस को मौका दिया जाता है, हाथ उठाइए ऑडियंस में जो इधर बैठे हुए हैं आप सभी लोग, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, हाथ उठाइए। हाँ ऑप्शन मिलेगा लेकिन पॉइंट नहीं मिलेगा। देखिए ऑप्शन देते हैं लेकिन पॉइंट किसी को नहीं मिलेगा, ना ऑडियंस को ना ही प्रतिभागी को। ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल फकीर कलाम, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, इनमें से कोई नहीं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद सर बताए हो। अबुल कलाम आजाद थे प्रथम शिक्षा मंत्री। बारह नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जाता है सतलज हाउस के पास। स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप सोच लिए हैं? आप लाइफ लाइन ले सकते हैं अभी बचा हुआ है। लॉक कर दिया जाए। चलिए तो इनका जवाब इंदिरा गांधी को लॉक किया जाता है और स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही जवाब। तो इस प्रकार से छह हाउस का द्वितीय राउंड का प्रश्न समाप्त हुआ। मनोज सर बताएंगे। फिर से बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों का। बहुत अच्छा चल रहा है। अभी दूसरे राउंड के बाद जब हम अंक को देखते हैं तो देखते हैं अभी भी कंपटीशन बहुत कड़ा है। गंगा हाउस चार अंक, कोई भी बोनस नहीं लिया है लेकिन अपने दोनों प्रश्नों का सही जवाब दिया है। यमुना हाउस दो अंक, इन्होंने बोनस भी नहीं ले पाया और अपने प्रश्न का गलत जवाब दिया दूसरे राउंड में। कृष्णा हाउस को भी दो अंक, दूसरे राउंड का जवाब गलत था इनका और बोनस भी नहीं था। कावेरी हाउस का भी चार अंक है। गंगा और कावेरी बराबर पर चल रहे हैं लेकिन इन दोनों में से किसी ने बोनस नहीं लिया है, सिर्फ अपने प्रश्न का जवाब दिया है। सिंधु हाउस ने दूसरे राउंड में अपने प्रश्न का जवाब नहीं लिया लेकिन दो दो बोनस अंक लिया है, इसलिए ये भी चार अंक पर चल रहे हैं। और सतलुज हाउस भी चार अंक पर, बोनस नहीं लिया है लेकिन दोनों जवाब सही दिया है। तो अभी कड़ा कंपटीशन है। तीन तीन हाउस अभी चार चार अंक पर चल रहे हैं। और यमुना और कृष्णा आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए, अभी भी आप लोग बाहर नहीं हुए हैं राउंड से। तीसरे राउंड के लिए विकास सर के पास जाता है माइक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कंपटीशन अभी भी कड़ा है और ऑडियंस भी ये नहीं कह पा रही है कि कौन सा हाउस जीतेगा। प्रत्येक हाउस के बच्चे ये सोच रहे होंगे और दुआ कर रहे होंगे कि हमारा ही हाउस जीते। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे राउंड की ओर। तीसरे राउंड में प्रश्न, यूं तो हम अपने हिसाब से थोड़ा उसको हार्ड किए हैं लेकिन हो सकता है आप लोगों के लिए आसान हो। तो पहला प्रश्न जाता है गंगा हाउस के लिए। गंगा हाउस के लिए प्रश्न रहा ये, टेलीविजन जिसे टीवी भी कहते हैं का आविष्कार किसने किया था? गंगा हाउस टेलीविजन का आविष्कार कौन किए थे? अगर आपको मालूम नहीं है क्योंकि यही लास्ट तीसरा राउंड है जहां पे अपने मित्र से एक मित्र से आप पूछ सकते हैं। फाइनल है आप एडवर्ड जेनर बोल। आप फाइनल है, आपके पास लाइफ लाइन बचा हुआ, आप अपने मित्र से हेल्प ले सकते हैं। प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार कौन किए थे? आपको बोला गया था, आपको उठाए वो हमसे बोलते हैं ना। वो एडवर्ड जेनर बोले, वो अपने आप उठ के बोल दिया। पूछे थे। चलिए तो यहाँ पे जज लोग बता रहे हैं कि वो पूछी थी और इसलिए आपका जवाब सही जवाब है। जोर ताली। टेलीविजन का आविष्कार थे जे एल बेयर। हाँ उनके मित्र का। आपका जवाब सही नहीं है, आप जो अपने मित्र से हेल्प लिए उनका जवाब सही है। उनका पूरा नाम था जॉन लॉगी बेयर।
जेल बेयर लाइफलाइन खत्म हो जाता है, इनको पॉइंट दिया जाता है सर। चलिए अगला प्रश्न है, जमुना हाउस के पास जाता है और आप ध्यान रखेंगे, यदि आपको किसी मित्र से हेल्प लेना होगा तो आप उन्हें उठाएंगे कि हम फलाने मित्र से हेल्प लेना चाहते हैं, तब वो उठ के बोलेंगे। अपने आप इशारा मत कर दीजिएगा, अगर अवर से बोलेंगे तो आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है? डायरेक्ट इशारा करके नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न, जमुना हाउस के लिए रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जमुना हाउस, इसके लिए आपको 20 तक गिनती गिना जाएगा, तब आपका टाइम समाप्त होगा। हाँ हाँ, थोड़ा समय ज्यादा दीजिएगा। यमुना हाउस, यदि आपको मालूम नहीं है तो आप अपने मित्र से सहायता ले सकते हैं। इनके हाउस से यमुना हाउस के यदि को जानते हैं तो हाथ उठाइए। टाइम आउट, आप नहीं बता पाए। चलिए ये प्रश्न जाता है कृष्णा हाउस के पास, रेडियो का विस्तार किसने किया था? क्या नाम बोले आपका? अपने जवाब पर पूर्णतः विश्वास है? लॉक कर दिया जाए? इनका जवाब बिल्कुल सही है, जोरदार ताली। बोनस पॉइंट जाता है कृष्णा हाउस को। रेडियो के आविष्कारक थे जी मार्कोनी, इनका पूरा नाम था गुलियेल्मो मार्कोनी। सर्वप्रथम रेडियो का आविष्कार उन्होंने ही किया था। कृष्णा हाउस को एक बोनस अंक जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे राउंड का तीसरा प्रश्न कृष्णा हाउस के लिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? कृष्णा हाउस, कृष्णा हाउस बोलिए। अलेक्जेंडर, आपका जवाब क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आप अपने जवाब से संतुष्ट हैं? आप ऑप्शन बदल रहे हैं, एक ऑप्शन पे रहिए। क्या कौन सा लॉक किया जाए? शुरू में बोले आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अभी बोल रहे हैं ग्राहम बेल। किसे लॉक किया जाए? लॉक कर दिया जाए? अभी भी आपके पास लाइफ लाइन है, ले सकते हैं। चलिए तो आपका ग्राहम बेल को लॉक किया जाता है और टेलीफोन का विस्तार है ग्राहम बेल। बिल्कुल सही जवाब है। इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने जब टेलीफोन बनाया था तो दो तल्ला, ऊपर में एक फोन बनाया था बहुत बड़ा सा और नीचे भी, और उससे पहले बात करने का प्रयास किए थे, तब दूर तक ले जा गए उसको। तीसरे राउंड के चौथे प्रश्न में अब प्रश्न जाता है कावेरी हाउस की। कावेरी हाउस के लिए प्रश्न रहा ये, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कावेरी हाउस, यहाँ पर कावेरी हाउस आपके पास लाइफ लाइन है, अपने दोस्त से हेल्प ले सकते हैं। कावेरी हाउस से कोई भी मेंबर, कोई भी स्टूडेंट अगर जानते हैं तो हाथ उठाइए जो कावेरी हाउस से हैं। नहीं,
कुछ उत्तर दिमाग में आ रहा है? नहीं। आपका समय अब होता है समाप्त। अब ये प्रश्न जाता है सिंधु हॉल के पास। सिंधु हॉल, कंप्यूटर का आविष्कार कौन किए थे? पता है आप लोगों को? नहीं। सतलज हाउस? नहीं। गंगा हाउस? गंगा हाउस नहीं। यमुना? नहीं। कृष्णा हाउस? किसी को भी मालूम नहीं है। ऑडियंस, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑडियंस में कोई जान रहे होंगे? हाथ उठाएंगे। आप नहीं, कोई भी नहीं। आप बोल सकते हैं लेकिन आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, ना बोनस पॉइंट ना पॉइंट। बोलिए। चार्ल्स बैबेज, बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम क्या था? चार्ल्स बैबेज। एक बोनस पॉइंट मिल जाता है यदि आप जब आपकी बारी आई थी इसमें बोलते तो। चलिए पांचवा प्रश्न जाता है सिंधु हाउस के पास। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? सिंधु हाउस। आपके पास लाइफ लाइन भी है? यदि आपको लगता है कि मेरा कोई दोस्त दे सकता है आप उसे उठा सकते हैं। चलिए सिंधु हाउस के कोई स्टूडेंट, सिंधु हाउस के कोई भी स्टूडेंट हाँ तो भाई, यदि आप जानते हैं साइकिल का आविष्कार जो आप चलाते हैं साइकिल, उसका आविष्कार कौन किए थे? कोई भी हाथ नहीं उठा। सतलज हाउस? नहीं। गंगा हाउस? नहीं। यमुना हाउस? नहीं। कृष्णा हाउस? ऐसा ना हो फिर आपकी बारी के बाद। नहीं। कावेरी हाउस? नहीं। ऑडियंस से कोई? इधर से भी कोई नहीं। साइकिल के आविष्कारक थे के मैकमिलन। कौन थे? के मैकमिलन, जिनका पूरा नाम था किर्क पैट्रिक मैकमिलन। और सतलज हाउस के लिए तीसरा राउंड का अंतिम प्रश्न, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सतलज हाउस। हाथ नहीं उठाने की जरूरत है, आपके पास बारी जाएगा। सतलज हाउस, बल्ब का आविष्कार कौन थे? जो हम लोग बल्ब जलाते हैं लाल बल्ब। मित्र से हेल्प लेना चाहते हैं? किनसे? कौन से मित्र? नाम बोलिए। शिव कुमार, ये आपके ग्रुप के सतलज हाउस के? हाँ, खड़ा होइए। थॉमस, क्या आप अपने मित्र के जवाब से संतुष्ट हैं? लॉक कर दिया जाए? तो बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, बिल्कुल सही जवाब है। और सतलज हाउस को जाता है दो पॉइंट। और तीसरे राउंड की समाप्ति के बाद जो आप लोगों का स्कोर कार्ड है सर के द्वारा बताया जाए, शानदार, अगर इसको शानदार कहा जाए तो फिर अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। तो हम लोग जानते हैं तीसरे राउंड के बाद कौन कहाँ है, कौन कितने पानी में है। तो गंगा हाउस तीनों जवाब सही देकर 6 पॉइंट, लेकिन बोनस नहीं ले सके आप। यमुना हाउस पिछड़ रहे हैं, मात्र 2 अंक उनका है क्योंकि दोनों गलत जवाब दिया है। कृष्णा हाउस 2 जवाब सही और 1 बोनस 5 अंक। और कावेरी हाउस 2 जवाब सही कोई बोनस नहीं, 1 जवाब गलत 4 अंक। सिंधु हाउस 2
एक जवाब सही दिए और दो बोनस, तो चार अंक पर ये भी है। और सतलुज हाउस दोनों तीनों जवाब सही, कोई बोनस नहीं, छह अंक। तो अभी हमारा दो हाउस बराबर चल रहा है छह छह अंक पर, और उनका पीछा कर रहा है कृष्णा हाउस पांच अंक के साथ। अभी भी बने हुए हैं, कावेरी भी बने हुए हैं अभी रेस में, इसलिए अब जोर लगाइए अंतिम जो हाँ जो राउंड है अंतिम राउंड के लिए विकास सर के पास। एक बार इन छह समूह के प्रतिभागियों के लिए जोरदार ढंग से ताली हो जाए। अंतिम राउंड ये थोड़ा अलग हटके राउंड है, इसमें आपके कोई मित्र नहीं है, किसी से आप हेल्प नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज है कि आप लोग सभी चम्मच अपने हाथ में उठा लें, ठीक है। और कोई प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे एक प्रश्न उदाहरण जैसे देते हैं कि दो जोड़ दो कितना होता है, तो आप जानते हैं चार होता है, तो जो सबसे पहले बजाएगा उसी से पूछेंगे। समझ में आ गया, जैसा ही हम प्रश्न पूछे और मेरे प्रश्न पूछने के पहले अगर आप बजाते हैं तो हम प्रश्न वहीं बंद कर देंगे और आपको जवाब देना होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मेरा प्रश्न पूरा हो जाए तब बजाइएगा, अन्यथा हम वहीं रुक जाएंगे और फिर क्या प्रश्न रहेगा आप सुन नहीं पाइएगा और जवाब नहीं दे पाइएगा। भक्तराम रजागुरु पीछे हमारा पूछ। हेलो हेलो हेलो, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ऑडियंस शांतिपूर्वक बैठे रहे, आप लोग बैठ जाइए। केवल सभी लोग सभी शिक्षकों से आग्रह होगा वो ध्यान देंगे कि पहले किनका ताली बजता है। आप लोग बजर राउंड के लिए तैयार हैं? ध्यान होना चाहिए आपको क्वेश्चन पे, लेकिन जब जानते होंगे गलत जवाब होगा तो कोई अंक नहीं, और ये किसी दूसरे के पास ट्रांसफर भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए ब्रदर राम का पहला प्रश्न आपके सामने रहा यह, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ये बजा के राजा, राजा पहले बजाया दिया। चलिए मेरा प्रश्न समाप्त होने मैंने प्रश्न का तुरंत जवाब देना है आपको, ठीक है? नहीं अब बजाना नहीं है, बजाने वाला नहीं हो पाया, पता नहीं चला। हेलो
चलिए आप बताएंगे नंगा हो भारत के वर्तमान क्रीड़ा मंत्री टाइम आउट झारखंड के वर्तमान राज्यपाल टाइम आउट बस इतना ही समय मिलेगा सबको भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोल दिया है रामनाथ कोविंद उनको पॉइंट दिया जाए कृष्णा हॉस्टल कावेरी के लिए हाँ करते करते कोविंद बोल दिया रामनाथ कोविंद एक मिनट होता है समय रहा दो कुछ नहीं चतरा के वर्तमान डीसी का नाम उपायुक्त का नाम जवाब जवाब सही जवाब सही जवाब सिंधु विद्यालय प्रबंधन समिति राष्ट्रीय कृत मध्य विद्यालय द्वारी के वर्तमान अध्यक्ष सही जवाब बनाए हैं वही क्वेश्चन में धंधा करें ऐसा थोड़ी बदल देंगे भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है सही जवाब है चलिए अभी भी राउंड खत्म हो गया और इसके बाद जो आप लोगों का अंक है वो मनोज सर बताएंगे टोटल चलिए बहुत अच्छा बहुत बहुत बधाई आज बाल दिवस के अवसर पर आप लोगों ने काफी एंजॉय किया अच्छा लगा और आप बहुत अच्छा अंक भी आया है सभी को कोई खराब अंक नहीं है हार जीत तो होता रहता है तो अभी जो दो हाउस है बराबरी पर चल रहे हैं कावेरी हाउस और गंगा हाउस के 6 अंक है ठीक है और कृष्णा हाउस को 7 अंक है और सतलुज हाउस 8 अंक है तो विजेता प्रथम तो सिलेक्ट हो गए हैं सतलुज हाउस 8 अंक क्लियर है सेकंड के लिए भी क्लियर है कृष्णा हाउस 7 अंक और थर्ड के लिए एक प्रश्न कर सकते हैं विकास जी से आग्रह होगा कि एक प्रश्न और कीजिए तो ये 3 है कावेरी सिंधु गंगा ये तीनों में कोई एक थर्ड हो सकते हैं हाँ वही तो बोल रहे हैं 3 अभी 6 आप लोग हैं अभी 1 राउंड आपको होगा थर्ड के लिए आप लोग आइएगा जो जवाब देंगे चलिए गंगा हाउस कावेरी हाउस सिंधु हाउस गंगा हाउस कावेरी हाउस और सिंधु हाउस आप लोग खड़े हो जाए केवल गंगा कावेरी और सिंधु आप लोग चम्मच अच्छा हाथ से मारिएगा ठीक है आप लोग नहीं मारिएगा जो बैठे हुए उन्हें मारेंगे चलिए आपका प्रश्न है ये ध्यान से सुनेंगे यदि आप बजाते हैं और आप गलत जवाब पहले बजाते हैं और गलत जवाब देते हैं तो आप नीचे हो जाएंगे आपका नाम हटा दिया जाएगा माइनस कर दिया जाएगा आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं सबसे पहले बताएं माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब
चलिए तो अब रिजल्ट आ गया है, सबको बधाई, कोई जीता नहीं है, कोई हारा नहीं है, सब अच्छा खेले हैं आप लोग। थोड़ा सा यमुना है उसको प्रयास करने की आवश्यकता है, ठीक है। आप लोगों ने फ्रेंड से मदद लिया होता तो आप भी अभी आगे होते, आप लोगों ने नियम को फॉलो नहीं किया, समझा नहीं। तो आज हम लोग कहते हैं थर्ड है, थर्ड नंबर पर आए हैं सिंधु हाउस, सेकंड नंबर पर आए हैं हमारे कृष्णा हाउस पर आ जाइए, सिंधु हाउस पर आइए, इनको 5 ताली से बधाई दीजिए। चलिए सेकंड के लिए कृष्णा हाउस, इनको भी 5 ताली से, और फर्स्ट शत्रुघ्न हाउस बेंच पर खड़ा हुए, बेंच पर खड़ा हुए, चलो 5 ताली से। चलिए आप लोगों के लिए विशेष भोजन है, जाइए आराम से शांति से भोजन कीजिए।